हदीस शरीफ में आता है, नबी अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में जब गुनाह आम हो गए, बनी इसराइल में फरमाया कि जब गुनाह आम हो गए तो उनके लोगों ने, उनके उलमा ने, उनके अहले इल्म ने उनको मना किया, फरमाया वो बाज नहीं आए। तो उन उलमा और उन लोगों ने क्या किया कि वो उनकी मजालिस में बैठते रहे और उनके साथ मिलकर खाते और पीते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनमें से बाज के दिल उनके जैसे बना दिए। फिर हुजूर ने फरमाया कि हजरत दाऊद और हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की जबानों से अल्लाह ने उन पर लानत भिजवाई क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी और वो हद से तजावुज करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखते हैं कि एक शख्स शराब पी रहा है तो आप उसको मोहब्बत और प्यार से समझाएं कि ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो मुतवातिर अपने अमल से बाज नहीं आता तो अब ऐसा नहीं है कि आप कहें जी मैंने तो दो चार दफा समझाया अब नहीं सुनता तो उसकी खबर उसकी मर्जी, मेरी खबर मेरी मर्जी। नहीं, अब मेरे और आपके ऊपर लाजिम है कि उससे मुकातिया करेंगे, उससे अलग हो जाएंगे। अगर कोई शख्स जानी है, हमें पता है ये जिना में मुबतला है, उसको रोकेंगे, उसको समझाएंगे कि तू गलत कर रहा है। सरे आम करेगा तो हाथ से रोकेंगे, छुप कर करेगा और हमारे इल्म में आएगा तो प्यार से समझाएंगे, लेकिन अगर चार दफा समझाने के बावजूद नहीं समझता तो फिर मेरे और आप पर लाजिम है कि हम उससे मुकातिया करेंगे। अगर हम नहीं करते तो हदीस इस पर शाहिद है कि अन करीब मैं और मेरी नस्ल भी शराबी हो जाएगी, अन करीब मैं और हमारी नस्ल भी जानी हो जाएगी, और अन करीब वो सारे के सारे गुनाह जो माशरे में आम हो रहे हैं, मैं और आप भी उसका हिस्सा बनते चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर बास के दिल बास से अल्लाह मिला दिया करता है।